दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वेयर हाउस लेकर आया हूँ जिसमें आप सिर्फ 5,000 रुपये लगा के अपना बिजनेस शुरू करोगे और महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हो। COD फैसिलिटी भी आपको यहाँ से मिलने वाली है, मतलब माल अपने घर पे मंगवाइए उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो किस तरीके का बिजनेस होने वाला है, कैसे आप इस बिजनेस को करके लाखों रुपए कमा सकते हो, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन कि आप क्यों गाइड कर रही है इस बिजनेस के बारे में, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए सूरत में जो टेक्सटाइल हब है सूरत बहुत बड़ा, उसमें हमारी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एकदम ट्रस्टेबल है कंपनी भी है। और हम आज तक कम नियर अबाउट 1,00,000 to 150,000 पब्लिक को गाइड कर चुके हैं बिजनेस के लिए और उनको बैक सपोर्ट कंप्लीट दे रही है हमारी कंपनी। क्या बात है दोस्तों, तो बेसिकली आपको क्लियर हो चुका होगा 1 से 1.5 लाख लोगों को इनकी कंपनी गाइड कर चुकी है इस बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए कपड़ों का बिजनेस, क्योंकि इंसान की जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों ये इंसान की जरूरत है। तो कपड़ा जो है कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जो जल्दी आप ले लिए और 5 दिनों में ही खराब हो गया, या फिर आपको कुछ लॉसेबल बिजनेस नहीं, वो इंसान की जरूरत का चीज है। तो आप इसका बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं और वो भी सक्सेस रह सकते हैं अगर हमारी कंपनी से जुड़ते हैं तो। क्या बात है, मतलब कपड़ों का बिजनेस जो सदाबहार बिजनेस होने वाला, कभी ना खराब होने वाला आइटम है ये। तो हम बात करें इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है? सर इसमें मिनिमम प्रॉफिट आप 40% से रख सकते हैं, 40% से लेकर तो आप जैसे कि यूनिक डिजाइन की तरफ जब आप बढ़ते हैं, हाई लेवल की तरफ, जैसे कि ब्राइडल कलेक्शन हो गया, कुछ लहंगा टाइप हो गया, जो यूनिक अनकॉमन चीज है, उसमें आप 100 to 200% भी मार्जिन रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एरिया पे। यस, लेकिन वो डिपेंड करता है कब, आपके एरिया पे, आपकी क्वालिटी पे, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो। मैम बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ पिछले 10 सालों में या एवरी ईयर कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जो आई थी, इसमें बहुत से बिजनेस भी बंद हुए हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अपनी वो एकदम खड़ी है। इसी तरह से उन्होंने फिर से बैकअप किया है आफ्टर कोरोना, और पर ईयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 10% ग्रोथ कर रही है, चाहे वो GST इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, लेकिन वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है ईयरली 10%। क्या बात है, मतलब 10% की ग्रोथ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप बिजनेस करने के लिए कोई सा जॉनर ढूंढ रहे, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करिए। मैम एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस? बिफोर स्टार्टिंग आपको सबसे पहले तो कुछ मार्केट सर्वे करना होता है कि जिस तरह से मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है, किस तरह की साड़ी में वैरायटी चल रही है, क्या कस्टमर्स की डिमांड है, ये सब चीज़ों के लिए आपको अपडेट रहना होता है। क्योंकि अगर बिजनेस में आप ओल्ड स्टॉक डालेंगे तो फिर डेफिनेटली आप आगे बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि क्या क्या सावधानी बरतनी है इसमें, कि आप अगर सूरत परचेसिंग करने के लिए फिजिकली आते हैं तो किसी ब्रोकर्स के या डीलर्स के चक्कर में ना पड़े, किसी ट्रेडिंग कंपनी के अलावा आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं तो आपका इस पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एंड नेक्स्ट अगर कुछ डेड स्टॉक, हमारे पास बहुत सी क्वेरीज भी आती है कि मैम डेड स्टॉक है क्या करें, उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसका सोल्यूशन मैं आज बताऊँ कि आपको कि आप लास्ट में उसका सेल करके भी उसको आप स्टॉक आउट कर सकते हैं। ये इसमें भी आप लॉस नहीं होता है, इसमें भी आपका इसमें भी बेनिफिट ही होता है, लेकिन वो आपको सोच समझ के कुछ करना है। क्योंकि अगर आपने परचेसिंग के टाइम ही सही चुनाव नहीं किया है कंपनी का, तो आप ये गलती ना करें, सही कंपनी का चुनाव करें परचेसिंग के लिए। मैम बात करें तो कौन सा जॉनर बेस्ट है क्लॉथ बिजनेस करने के लिए? वैसे मैं तो कहूंगी कि ऑल सभी बेस्ट है, क्योंकि देखिए कि आप देख सकते हैं ये डेली नीड्स की जरूरत की चीजें है, साड़ीज हो गया, कुर्तीज, लहंगीज, नाइट वेयर एंड दुपट्टाज, सूट मटेरियल, फैंसी सूट, जैसे कि भी फेस्टिवल्स आते हैं तो हर चीज की जरूरत पड़ती है। इस तरह से बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप किसी भी बिजनेस को एक तरह से क्वालिटी के साथ फोकस कीजिए। जैसे कि देखा जाए तो सूट का बिजनेस भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नाइटीज का बिजनेस एकदम बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ये इस तरह के जो ब्राइडल दुपट्टा होते हैं, सिंपल दुपट्टा होते हैं, इस तरह का बिजनेस भी आप इजिली कर सकते हैं, जैसे कि कुर्ती के साथ वगैरह भी आप दुपट्टा रख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्टिचेस ब्लाउज इस तरह से अलग अलग वेराइटीज में, फिर अनस्टिचेस ब्लाउज पीसेस जो होते हैं, फिर पेटीकोट्स होते हैं, तो ये भी एकदम बेस्ट मार्जिन वाला बिजनेस है अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है कि एकदम बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का चुनाव करना है ताकि आप अच्छा मार्जिन ले सके और बिजनेस में एकदम सक्सेसफुल हो सके।
और वैसे देखा जाए तो लहंगाज, ब्राइडल लहंगाज ब्लाइंड इनकम चीज देने वाली चीज है, चीज हो सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं पट्टू लहंगा, गर्लिश लहंगा, ये ब्राइडल मैरिज अकॉर्डिंग लहंगा, इस तरह से इसमें भी बहुत सी वेराइटीज होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मार्जिन लेना चाहते हैं तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको ज्यादा मार्जिन दे सकते हैं। लहंगा वगैरह की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आइटम होता है। यस सर, अगर विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्क, नो डेड स्टॉक अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कुर्तीज का। ऑन डिमांड अभी बहुत ही डिमांडेबल है इस तरह की कुर्तियाज, वन पीस कुर्ती और इस तरह के पैंट प्लाजो, ये सिगार पैंट, स्मोकिंग पैंट, पोटली पैंट, ऑल ओवर वेराइटीज आप इसमें गर्ल्स के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बिजनेस ऐसा है कि कोई सीजन नहीं है इसमें, ये जो आप ऑल ओवर कुर्तीज वगैरह ये हमेशा चलने वाला आइटम है आपका, सदा बाहर चलने वाला बिजनेस है और बिना किसी टेंशन के आप इसे सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं, मार्जिन रख सकते हैं इसमें। तो मैम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है कपड़ों के बिजनेस में? यस, इन्वेस्टमेंट तो सर देखिए ऐसा है कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है, आप कि क्या मीन्स आपके पास क्या है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका शोरूम है या फिर आपका शॉप है नॉर्मली, या फिर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। अदरवाइज हमारी कंपनी का कोई इशू नहीं है, कोई हमारा टारगेट नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम 5,000 का परचेसिंग कर सकते हैं, और वो भी हमें अभी एक खुशखबरी ये भी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि हमने COD भी चालू कर दिया है, कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। यस, अच्छा मैं मान के चलता हूँ मैं 10,000 रुपए का माल खरीदता हूँ यहाँ से, तो कम से कम कितना कमा लूंगा उस 10,000 रुपए के माल को बेच के? 10,000 रुपए के माल को बेच के सर आप मिनिमम 4,000 या 4,500 तो इजीली ले सकते हैं। बाकी एरिया के ऊपर प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। चलिए मैम सारी बातें हो गई, मैं जानना चाहूंगा कौन सी ऐसी कंपनी है सूरत में या पूरे इंडिया में जो आपको बेस्ट रेट पे हमें माल देगी, हमारे व्यूअर्स को बेस्ट रेट पे बिजनेस करने का मौका देगी? वो तो सर सिर्फ और सिर्फ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जो सूरत की एकदम बेस्ट ट्रस्टेबल एकदम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी? यस। क्यों मैम? क्योंकि वो वुमेन्स के ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है सर, और मैन्युफैक्चरर्स मींस नो ट्रेडर्स, नो होलसेलर्स, ओनली डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल कस्टमर्स आप डायरेक्टली जुड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं 20 में जो 30% 40% जो आप दूसरे ट्रेडर्स को दे रहे हैं, होलसेलर्स को दे रहे हैं, वो आपका डायरेक्टली बच रहा है, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे केसरिया टेक्सटाइल से आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट आपके पास पहुंच रहा है, किसी में बीच में कोई कमीशन नहीं होने वाला इनका? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ब्रोकर सिस्टम बिल्कुल नहीं, डीलर्स नहीं सर, आप डायरेक्टली हमसे जुड़िए, क्योंकि हमारी कंपनी जो है 40-50 सालों से इसी तरह से वर्क कर रही है ये इंडस्ट्री में, एंड हम 1.5-2 लाख को ऐसे ही बैक सपोर्ट देके बिजनेस दे चुके हैं, वो भी सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। क्या बात है, मतलब yes, 40 सालों की कंपनी दोस्तों, आप सोच सकते हो 40 सालों से जो कंपनी चल रही है तो उनको जुड़ने का आपके क्या क्या फायदे होंगे, प्लस ना जाने लाखों के ऊपर लोगों को बिजनेस दिया है तो सर। बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, केसरिया टेक्सटाइल में आ सकते हैं, वीडियो कॉल फैसिलिटी भी है यहाँ पे, आप वीडियो कॉल पे भी सारी जानकारी इनसे ले सकते हैं। आपको एक ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन अगर कोई परचेसिंग करना चाहते हैं तो आपको वीडियो कॉल पे वो भी दिखाया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से भी ऑनलाइन कस्टम परचेसिंग भी चल रही है, लाइव कस्टमर भी आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे यहाँ कंटिन्यू, देखिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से वीडियो कॉल की सुविधा भी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बात है, अगर कोई आना चाहता है तो एक बार एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। यस, अगर आप सूरत आके अगर फिजिकली परचेसिंग करना चाहते हैं तो आपको सूरत से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंतर पे है हमारा कमेला मार्केट, कमेला दरवाजा पे आके आप मिलेनियम मार्केट फर्स्ट फ्लोर बी विंग्स 3031 और 3032 में हमारा ये केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में उसका मीन्स आंसर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके आप ऑल डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कपड़ों के बिजनेस की सारी जानकारी मैडम ने आपको दे दी होगी, इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कॉल करके इनसे सजेशन ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।